औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, जैसा कि आपने आज टाइटल में देखा कि मैंने जिक्र किया था कि रमज़ान में जो लोग सो जाते हैं रोज़ा रख के, हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको पहले सिंपल से जो आलू की कतलियाँ होती हैं, आलू की कतलियों वाले पकौड़े, उसकी रेसिपी दे दूँ। ये बहुत मज़े के लगते हैं और रोज़ों में तो इसका मतलब अपना ही मज़ा होता है। मिक्स पकौड़ों का एक बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है और उसका एक बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट होता है। तो मैंने बेसन लिया है 1/2 कप और उसके अंदर मैंने डाल दिया है कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसी तरह मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल दूँगी, थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी और थोड़ी सी इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी, तो उससे ही बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें गरम मसाला चला जाएगा और थोड़ा सा आप चाहें तो चाट मसाला इसमें डाल दें। मैं यूजुअली चाट मसाला ऊपर स्प्रिंकल करती हूँ तो इसके अंदर ऐड नहीं करती, लेकिन ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसे कैसे खाना चाहते हैं। ये चीज़ें डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसका एक थिक सा बैटर रेडी कर लेंगे। आलू के जो है वो लंबाई में पकौड़े काट के उसको डाल के फ्राई कर लेंगे। सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ ये बहुत मज़े के पकौड़े जो है वो आपके बनकर रेडी होते हैं। तो चलिए जी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं वो रमज़ान का रोज़ा रखकर सो जाते हैं, मतलब इसलिए कि दिन गुजर जाए। ज़ाहिर है आपने अपनी नींद तो पूरी करनी है, लेकिन जो एक्स्ट्रा सोने के और आराम करने की बात होती है वो गलत है, क्योंकि देखिए रमज़ान की साथ बहुत मुबारक है, ये महीना बहुत मुबारक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपना अल्लाह पाक की इबादत में और अपने नामाल को नेकियों से भरने में गुजारना चाहिए। इस हवाले से मैं आपको एक बयान भी सुनाती हूँ जो मैंने सुना था, तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर कर दूँ। अक्सर हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं सर के जो रोज़ा फाइल कीजिए, अरबी में एक लफ्ज़ है उसका तर्जमा भी आपको किया देता हूँ कि अय्याम और रमज़ान लैसत अय्याम नुज़हा, कि ये जो रमज़ान के दिन हैं अय्याम मादूदात हैं, गिनती के दिन हैं, देखते ही देखते ये गुजर जाएंगे। तो ये कोई रिफ्रेशमेंट नहीं है, ये कोई सोने और खेल कूद के दिन नहीं है। असल में हैरत वाली बात ये है नज़मी साहब के, हमें अपना आप भूखी हालत में अल्लाह के सामने थकाना चाहिए, लंबे लंबे क़याम होने चाहिए, लेकिन अजीब चोर दरवाजे हमने खोल लिए हैं। रातों को लोग क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, और हमारे नौजवान गलियों में जो कुछ करते हैं वो आपके सामने, और सारा दिन सोए रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी महरूमी है, बहुत बड़ी महरूमी है, और रोज़े की बरकत को ख़त्म करने वाली बात है। कम अज़ कम चलें आप इशरा के बाद सो जाएं, इशरा के बाद सोने के बाद कम अज़ कम जोहर से पहले ज़रूर उठें, जोहर को आप जमात के साथ पढ़ें। तो देखा आपने, इतनी नींद आप ले सकते हैं, मतलब जोहर के टाइम, क्योंकि रोज़ा रख के लोग सोते हैं और अक्सर सहरी में रात को नहीं सो रहे होते हैं, तो जोहर तक आप उठ सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सोने से गुरेज़ करें। बाज लोग तो जोहर भी कज़ा हो रही है और असर भी कज़ा हो रही है, अल्लाह पाक माफ़ करे, तो वो एक गलत चीज़ हो जाती है। एक तो नमाज को कज़ा करने का गुनाह, फिर ऊपर से रमज़ान को इस तरह ज़ाया करने का गुनाह। तो अल्लाह पाक हम सबको जो है वो इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर बस अब अपने पकौड़े फ्राई कर रही हूँ और हल्का सा ऑयल गर्म करके तो उसमें ये डाल के फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मुझे ना जब क्रेविंग हो रही होती है ना किसी चीज़ की, तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो यूजुअली भी नॉर्मली इसी को ही फ्राई कर लेती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे से जो है पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो जाते हैं और बड़े अच्छे से लगते हैं। तो इस तरीके से आप इसको खा सकते हैं। तो बाकी आप अपनी मर्ज़ी से इंग्रेडिएंट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी थिक कोटिंग वाले ये पकौड़े बने हैं। अब आप इसके ऊपर चाट मसाला डालकर तो इसको आराम से जो है वो सर्व कर सकते हैं, और ये जब ऑयल का टेम्परेचर अच्छा होता है तो ये जल्दी गल भी जाते हैं, 10-15 मिनट में आपके पकौड़े रेडी हो जाते हैं। तो इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मैंने सोचा मैं बनाऊँगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, तो मैंने आपसे रेसिपी शेयर कर दी है। तो बाकी ये है कि जी कोशिश करें कि रमज़ान की जो साथ हैं इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, और
थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियोस को इतना प्यार देते हैं, इतना पसंद करते हैं, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो इसी तरीके से जो है वो अपना प्यार देते रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं जो है आपसे अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करती रहूँगी। बाकी ये है कि अब मैं आपसे आगे की रूटीन शेयर करती हूँ। तो ये मैंने रात के टाइम जो है वो हलीम मंगवाई थी, हलीम नहीं दलीम, हलीम कहते हैं, नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो अल्लाह पाक का नाम है। तो दलीम मंगवाई थी चिकन की, और ये मैंने फूड पांडा से ऑर्डर करके मंगवाई थी। तो मैंने सोचा कि यही गर्म कर लेते हैं और साथ रोटी बनाई, रोटी वैसे मैंने तंदूरी भी मंगवाई हुई थी और रोटी खुद भी बनाई जा सकती है। तो जैसे आसानी लगे उस तरीके से फिर आप उसको चीज़ों को कर सकते हैं। रोज़े के हवाले से एक चीज़ मेरे जहन में और भी आती है कि आप देखिए, ये वाहिद ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर दूंगा। हमें बहुत सी चीज़ों का अजर जो है वो जिस में बताया गया है कि इतना है इतना है, लेकिन रोज़ा एक वाहिद ऐसी इबादत है जिसके अजर के बारे में कोई नहीं जानता है कि हाँ कितना होगा। और जी ये देखिए कि एक मोए मोए मोमेंट हो गया था, मैं लेमन उस पर स्क्वीज़ कर रही थी, मैंने सोचा इसी प्लेटर में मैं सर्व कर दूँगी तो वो लेमन उसके अंदर ही गिर गया था। खैर बस अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ और मैंने अलग निकाल दिए अपनी बेटी के लिए क्योंकि उसको मिर्चें नहीं ही ज़्यादा पसंद, अगर बच्चे नहीं खा सकते तो मैंने फिर इसी तरह से ये रख दिया था। तो जी यहाँ पे बस मैंने ये कुछ स्टिकर्स मंगवाए थे, आपने भी देखा होगा दराज पे काफ़ी वायरल है ये, बहुत से लोग इसे अपने किचन में डेकोरेट कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने किचन की टाइल्स मुझे वाइट है तो मुझे वाइट ही अच्छी लगती है। मैंने फ़िलहाल यहाँ पर जो है ये इस तरीके से लगा दिए हैं और ये बहुत प्यारे से लग रहे थे, तो छोटे छोटे चेंजिंग्स अच्छे लगते हैं। मैंने सोचा कि चलो दीवार पर कोई पेंटिंग हैंग करने की बजाय फ़िलहाल इसको लगा लेती हूँ, तो इंसान चेंज करता रहता है। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, टेक केयर, लाफ।